आइए, आप सभी का स्वागत है देखिए और सीखिए नीटिंग चैनल में। तो मैं सबके लिए लेडीज़ सॉक्स लेके आई हूँ क्रोशिया से। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरह के 4 प्लाई उनकी यूज़ कर रही हूँ इसमें, इस सॉक्स के लिए। इसमें ये 25 ग्राम की उल रहती है और ये सारी मार कंपनी की है, कासमलन उल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम क्रोशिया जो यूज़ करेंगे, यहाँ 3.5 mm क्रोशिया और इधर जो लिखा हुआ है ये 6 नंबर क्रोशिया इधर देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से धागे को फोल्ड करेंगे, ये जो धागा दूसरी बार फोल्ड करेंगे पीछे ले जाएंगे और ये पीछे वाला धागा खींचते हुए अपनी ओर लाना है। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। 3 चेन बना लिए हमने। क्रोशे पे धागा लेंगे और यहाँ पे डालेंगे। आप चाहे तो इसे हाफ डबल क्रोशे से भी स्टार्ट कर सकती हैं या फिर आप पूरी सॉक्स को डबल क्रोशे से भी बना सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, टोटल 10 डबल क्रोशिया बनाना है इसके अंदर। 10 डबल क्रोशिया बनाएं इसके अंदर। चलिए तो इसके अंदर 10 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। जो हमने शुरुआत में चेन बनाई उस चेन को हम काउंट नहीं करेंगे इसमें। ये जो हमने चेन बनाई इसको काउंट नहीं करना है। अब यहाँ से ये जो धागा है इसे हम इस तरह से खींच लेंगे, ठीक, गोलाई भी बन जाएगी हमारी। जो पहला डबल क्रोशिया हमने बनाया, चेन नहीं, चेन को छोड़ देंगे हम। जो पहला डबल क्रोशिया बनाया उसके ऊपर जो चेन है उसमें जाएंगे और इसे हम जोड़ देंगे इस तरह से। इसे और भी खींच लें ताकि बीच में जो गोलाई है ये ना दिखे। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे, 1, 2 दो चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम जहाँ से हमने इसे जोड़ा है इसी जगह डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को हम काउंट नहीं करेंगे इसमें। 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी जगह पे डालेंगे 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ज़्यादा बड़ा डबल क्रोशिया आपको नहीं बनाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेन पे भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी इस राउंड में आपको 2 डबल क्रोशिया करते हुए इसमें बनाने हैं। टोटल इस राउंड में हमारे पास 20 डबल क्रोशिया होने चाहिए। सेकेंड राउंड में 20 डबल क्रोशिया, फर्स्ट राउंड में 10 डबल क्रोशिया। तो चलिए इसी तरह से करते हुए हम सेकंड राउंड कंप्लीट करते हैं। इस तरह से करते हुए हमने देखिए सेकंड राउंड में 20 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब जो ये चेन दिख रही है इस चेन को छोड़ देंगे हम। यहाँ जो फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने बनाई है इसके ऊपर जाएंगे और स्लिप करते हुए इस चेन से निकाल लेंगे, ये वाली चेन से निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ से फिर से चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। पहली वाली चेन में ही डालेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1 डबल क्रोशिया, चेन को काउंट नहीं करना है इसमें। ये दूसरी डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाया हमने, ये चेन को इसमें नहीं जोड़ना है आपको। तो इसे और इसे जोड़ेंगे तो 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब सेकंड वाले चेन पे डालेंगे और यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसकी अगली वाली चेन पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हमें बनाना है 2 1 2 1, इस तरह से करते हुए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे पहली वाली में 2, फिर दूसरी वाली में 1, तीसरी वाली में 2, चौथी वाली में 1, इसी तरह से करते हुए तीसरी राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए थर्ड राउंड भी हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड राउंड में हमारे पास टोटल 33 हमारे पास यहाँ पे डबल क्रोशिया बन के आई है, यानी 33 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनी है। अब जो चेन दिख रही है इस चेन को छोड़ेंगे, पहला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर जो चेन है यहाँ पर डालेंगे हम, स्लिप स्टिच करते हुए इसे हम जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से हम चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। 3 चेन बनाए हमने, फिर इसी जगह पे डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरी डबल क्रोशिया। देखिए पहली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, दूसरी चेन पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरी चेन में भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस बार चौथी चेन में हम 2 बनाएंगे। इस पर 2 बनाने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया बढ़ाना है आपको। तो देखिए चौथी चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया। फिफ्थ चेन पे 1 डबल क्रोशिया, यानी पांचवी चेन पे 1 डबल क्रोशिया, छठी चेन पे 1 डबल क्रोशिया, सातवीं चेन पे 2 डबल क्रोशिया। पहली चेन में आपको 2 डबल क्रोशिया करना है, फिर एक एक अलग अलग डबल क्रोशिया करना है, फिर 2 करना है, फिर अलग अलग 1 करना है, फिर 2 करना है।
तो यहाँ पे देखिए हमारी फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 और ये फोर्थ राउंड में आपके टोटल डबल क्रोशे आने चाहिए 44 डबल क्रोशे, यानी 44 इसमें हमारे पास डबल क्रोशे आने चाहिए। अब इस 44 डबल क्रोशे को ही हम आगे रिपीट करेंगे और इसकी 12 लाइनें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम कोई भी फंदे नहीं बढ़ाएंगे। अब हर एक चेन पर डालते हुए एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। चेन को काउंट नहीं करना है आपको, ये हमने एक डबल क्रोशे बनाया। सेकेंड चेन में भी हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, थर्ड चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी पूरा राउंड हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। पूरा राउंड एक एक डबल क्रोशिया करेंगे, 1 1 डबल क्रोशिया करते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे और यहाँ के जॉइंट कर लेंगे। यहाँ देखिए हमारी फिफ्थ राउंड भी कंप्लीट हो गई है। अब ये चेन छोड़ेंगे और फर्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया यहाँ पर डालेंगे हम, और स्लिप करते हुए इस चेन से निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 राउंड कंप्लीट हो गई। टोटल हमें और 11 राउंड करना है, यानी 11 लाइन और हमें बनानी है। टोटल यहाँ से जोड़ते हुए हमारे पास 16 लाइनें होनी चाहिए डबल, ये जो हमारी लाइनें हैं। अब यहाँ से कोई भी हम लाइन नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि कोई भी फंदे नहीं बढ़ाएंगे, फिफ्थ राउंड से कोई भी फंदे नहीं बढ़ाएंगे। तो चलिए यहाँ से बना लेते हैं अब आगे, उसके बाद दिखाती हूँ। टोटल 16 लाइनें बनानी है, यहाँ से काउंट करते तो 5 हो गई हमारे पास और 11 लाइनें हम बनाएंगे 44 डबल क्रोशिया के ऊपर 44 डबल क्रोशिया बना के, उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 16 रो कंप्लीट हो गई, यानी 16 लाइनें हमारी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गई। तो काउंट करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ से शुरुआत से जहाँ से हमने 10 चेन बनाए यहाँ से काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। टोटल यहाँ से यहाँ तक 16 लाइनें कंप्लीट हो गई है। इन स्टेप से नाप के दिखाती हूँ कि मैंने कितना यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो 6 इंच है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर। अब देखिए किस तरह से बनेगी, अब यहाँ से चेन बनाएंगे हम, 2 चेन, 1 और ये 2 ही चेन बनाएं, क्योंकि इस जगह पे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो इस चेन को हम काउंट नहीं करते हैं। तो इसी जगह पे डालते हुए एक डबल क्रोशिया करेंगे हम। अब देखिए यहाँ से डबल क्रोशिया करते हुए हम यहाँ तक आएंगे और इधर हम 8 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। यहाँ से काउंट करते हुए 8 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और इधर से घूमते हुए यहाँ तक आएंगे। चलिए तो घूम के आती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। हर एक चेन पर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे, लास्ट में आपको 8 डबल क्रोशिया छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए 17 राउंड में हमने यहाँ से यहाँ तक बुन लिया। अब देखिए यहाँ पे कितने डबल क्रोशिया छोड़नी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 हम यहाँ पे डबल क्रोशिया नहीं बुनेंगे, यानी 8 डबल क्रोशिया नहीं बुनना है। ये हमारी 17वीं लाइन चल रही है, यानी 17 लाइन है ये हमारी। और यहाँ पर जब हम आएँगे तो यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, यहाँ पर हम नहीं बुनेंगे। अभी यहाँ से चेन बनाएंगे हम, 1 और ये 2 इधर पलट जाएंगे, इसी चेन पे डालते हुए एक डबल क्रोशिया करेंगे और इधर से राउंड करते हुए हम यहाँ से यहाँ तक घूम के आएंगे, फिर यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ पे आपको नहीं बुनना है, घूमते हुए आएंगे फिर यहाँ पे बुनेंगे, फिर इधर से घूमते हुए जाएंगे यहाँ पे बुनेंगे। इस तरह से करते हुए हमें टोटल 8 लाइनें कम्प्लीट करनी है। जैसे मैंने एक लाइन कम्प्लीट कर ली, 17 रो, फिर 18, फिर 19, फिर 20, इसी तरह से करते हुए हम आगे की रो कम्प्लीट कर लेते हैं। हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। चलिए तो यहाँ से हम 8 लाइनें कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी पहली लाइन, ये दूसरी, और हम 6 लाइनें बनाएंगे, फर्स्ट ये सेकंड, इसके बाद 6 रो और बनाने में। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 8 लाइनें कंप्लीट कर ली है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब आगे किस तरह से बुनेगी देखिए, यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे हम, या फिर आप चाहें तो एक ही कलर से भी बना सकती हैं इसे। सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे हम जो शुरुआत जहाँ से हमने किया हुआ था, चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3 चेन, इसी जगह पे डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस चेन को काउंट नहीं करेंगे, इसके बगल में एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे,
ये दो डबल क्रोशिया हो गई, यानी कि जो भी लाइन हमारी जा रही है देखिए ये वाली सेकंड लाइन, इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरी डबल क्रोशिया। फिर से ये वाली लाइन आ गई तो ये वाली पहली वाली जो डबल क्रोशिया हम इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरी डबल क्रोशिया। फिर इस लाइन में भी हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी जहाँ जहाँ हमने यहाँ तक बनाई है आठ लाइनें सभी के ऊपर दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। टोटल आठ लाइन में हम 16 डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो डबल क्रोशिया दिख रही है ये डबल क्रोशिया फिर हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। देखिए यहाँ लेंगे, तो देखें यहाँ हमने दो बनाए, इसमें एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, इसे हम पूरा नहीं बनाएंगे, इस तरह से रखेंगे, आधा डबल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो हमारी आठ डबल क्रोशिया में से सबसे पहली डबल क्रोशिया इसमें। अब इन तीन फंदों को एक साथ ले लेंगे यहाँ पे ताकि ये गोलाई आ जाए हमारी अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से हम इसी तरह से करते हुए जाएंगे, जितनी भी डबल क्रोशिया है बीच में जो हमने छोड़ी हुई थी आठ डबल क्रोशिया उसके ऊपर भी हमें एक एक डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। तो हमने कितनी बना ली, एक दो तीन चार डबल क्रोशिया जो हमने छोड़ी हुई थी वही डबल क्रोशिया हो गई, ये पांच डबल क्रोशिया हैं, छः डबल क्रोशिया, सात डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात और यहाँ पे बनाएंगे आठ डबल क्रोशिया। तो देखिए आठ डबल क्रोशिया जहाँ हमने बनाया इसे हम पूरा नहीं बनाएंगे, अब एक इस चेन में आ जाएंगे, इधर जो हमारी आठ लाइन बनी हुई इसमें से पहला वाला जो हमारे डबल क्रोशिया यहाँ इस तरह से उठाएंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इन तीन फंदों को एक साथ इस तरह से कर देंगे, फिर ये हमारे पास ये गोलाई आ जाएगी। फिर एक इसमें फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे क्योंकि यहाँ भी देखिए शुरुआत में हमने यहाँ पे भी तीन ही बनाए हैं। देखिए ये जो हमने ये राउंड कंप्लीट किया हुआ है इधर से, देखिए ये वाली, तो यहाँ भी हमने तीन बनाई है। अब इधर से जितनी भी है सभी में दो दो बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। चलिए दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं इसे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसे सिल लिया, अब इसे क्या करेंगे, ये भाग हमें सिलना था तो सबसे पहले ये भाग हमें सिल लेना है, तो इधर पलटते हुए हम सिल लेते हैं, सीधा ही रखेंगे और इसे हम इस तरह से पलट लेंगे, इस तरह से पलटने के बाद आप क्रोशिया से भी सिल सकती हैं या फिर सुई से भी सिल सकती हैं। तो ये भाग हम यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं पहले। देखिए शुरुआत जो हमारी डबल क्रोश यहाँ पर चेन जो दिख रही है यहाँ से सिलेंगे हम, हर एक चेन पर डालते हुए हम यहाँ पर इसकी सिलाई कर लेंगे। चलिए यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं और यहाँ पे हम गोलाई में सिलेंगे। अब ये भाग देखिए हम गोलाई में सिलेंगे, इस तरह से लेते हुए हम जो हमारी चेन दिख रही है इस चेन के अंदर हम इस तरह से डालते हुए जाएंगे, हर एक चेन के अंदर आपको डालना है।
यहाँ भी डालेंगे इस चेन में। अब यहाँ से इस धागे को हम इस तरह से खींच देंगे, ऐसे खींचने के बाद इसे अच्छी तरह पक्के करके इसे हम सिल लेंगे। पक्का करते हुए एक दो गांठ इधर से उधर कर लें। इससे गांठ लगाते हुए हम धागे को काट लेंगे, थोड़ा सा आगे ले जाते हुए काटेंगे। अब यहाँ से काट लेंगे इसे। तो ये भाग देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली है। अब जो हमने डबल क्रोशिया शुरुआत में बनाई हुई थी, जो डबल क्रोशिया करते हुए आ रहे हैं, अब यहाँ जो चेन दिख रही है इस चेन में डालेंगे हम। पहले डबल क्रोशिया की चेन ऊपर वाली उसमें डालेंगे और इसे हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। दो चेन लेंगे, इसी जगह पे डालेंगे, डबल क्रोशिया कर लेंगे हम। पहली डबल क्रोशिया हो गई, चेन को काउंट नहीं करना है, दूसरे वाले में डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। अब जितनी भी डबल क्रोशिया दिख रही है सभी के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से जाएंगे, राउंड कंप्लीट करते हुए आएंगे। आप चाहें तो ऊपर एंकल लेंथ ऊपर तक बना सकती हैं आप इसे। जैसे मैं दो तीन लाइन में ख़त्म कर दूंगी तो आप इसे चाहे तो पांच छह लाइन ऊपर तक बना सकती हैं इसे। तो चलिए बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये सॉक्स बनके रेडी हो गई, कितनी खूबसूरत है, कितनी जल्दी भी बन जाती है। और ऊन इसमें मैंने 25 ग्राम जो लिया हुआ था वो पूरी हमारी 25 ग्राम इसमें यूज हो गई है। और उसके बाद जो मैंने ग्रे कलर यहाँ पर लगाया, ये 4 से 4 ग्राम के आसपास ये लगी होगी, यानी एक सॉक्स बनाने के लिए आपको 30 ग्राम के आसपास लग जाएगी ऊन इसमें। अब चलिए इसको पैर में डाल के दिखा देते हैं कि किस तरह से लगेगी वो। ये देखिए पैर के ऊपर तक जाएगा। आप चाहे तो ऊपर तक इसे और भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 राउंड ही बनाया है, 1 2 3। देखिए सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए कहीं भी मैंने बढ़ाया नहीं है ना घटाया हुआ है, देख सकती हैं। साइड में कुछ इस तरह से आपकी ये आएगी, नीचे साइड कुछ इस तरह से ही है। अगर आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करती हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करें, और अगर अच्छी लगती है तो एक कमेंट भी कर दें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।